हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। सुनिए, तो जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जियो हजारों साल, अरे तुझे नजर ना लगे किसी की, जियो हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब जैसा तन है तेरा, चांदी जैसा तन है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। कंगाल, तो मैं निवेदन कर रही हूँ शरारती जी। क्या बेटा? सुनिए जी, अभी आपने राशियों के लिए गीत गाया है, उसी पर प्रगति है, उसी राशि की है, हालांकि प्रकट होना और सवारी करना अलग अलग बात है। सही बात उस लाइन में कोई दम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ और चौपाइयों के सहित बता रही हूँ। जरा गाने को सुने आप सभी लोग, सुनिए, हमारे सारे दादा भैया लोग बैठे हैं। गाने में मैं आपको दो संतों का मिलन बता रही हूँ। क्या बात, दो संत मिल रहे हैं और देखिए वो दो संत हैं कौन और क्या कह रहे हैं। सुनिए, क्या माता सीता की खोज में हनुमान जी महाराज लंका नगरी पहुंच गए। लंका नगरी जो राक्षसों की नगरी है, हनुमान जी चले जा रहे हैं लेकिन सीता जी कहीं दिख नहीं रही हैं। अच्छा, अचानक विभीषण की कुटिया के पास आए और उनको राक्षसों की नगरी में राम 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 की आवाज आई, और जब राम राम सुनाई दिया, हनुमान जी विचार कर रहे हैं क्या क्या राम नाम का सुमिरन सुन के हर्षित है हनुमान, क्या बात है ये बने राम बाबू, जो भी हमारे दादा बुजुर्ग बैठे हैं आप सभी से निवेदन है गाने को सुने आप लोग। सुनिए, हनुमान जी राक्षसों की नगरी में हैं और राक्षसों की नगरी में राम राम की आवाज आ रही है, कैसे तो विचार करने लगे कि राम नाम का सुमिरन सुन के हर्षित है हनुमान, और विचार करके बोले क्या ऐसा लग रहा है कैसा? हंस बगुलों के मध्य में लगा रहे हनुमान, बोले ऐसा लग रहा कि एक हंस इन बगुलों के मध्य में फंसा हुआ है, ऐसा विचार किया उन्होंने। कैसा? तो एक हंस बगुलों के मध्य में लगा रहे हनुमान, अरे हट करके पहचान करेंगे सोच रहे श्रीमान,
करते हैं जगत में हर मुश्किल आसान। और जब अंदर से विभीषण जी बाहर निकले कुटिया के, बाहर आए विभीषण जी, एक चौपाई कह रही है, क्या बड़े भाई, राम नाम तही सुमिरन कीन्हा और हर्ष हृदय कपी सज्जन चीन्हा। समझते रहिए, जब विभीषण जी से परिचय हुआ तो देख करके हनुमान जी बोले, क्या ऐसा लग रहा है कि रामायुध दीवार पे अंकित, रामायुध दीवार पे अंकित और तुलसी द्वार की शान, ये रामायुध दीवार पे अंकित तुलसी द्वार की शान। और कहने लगे, क्या एक यही साधु है सच्चा, बाकी सब शैतान। धन्यवाद है। तो एक यही साधु है सच्चा, बाकी सब सच्चा बाकी सब शैतान। क्योंकि शैतानों की नगरी में, राक्षसों की नगरी में खड़ा हूं, और राक्षसों की नगरी में राम राम कहने वाला एक यही व्यक्ति है, तो एक यही साधु है सच्चा, बाकी सब शैतान। बिल्कुल। जब परिचय हो गया विभीषण जी से हनुमान जी का, तो विभीषण जी ने एक बात कही। क्या कहा? बोले, हे संत महाराज, सुनिए, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। आप कह रहे एक हंस बगलों के मध्य में फंसा है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। कैसे? मैं लंका में रहता जरूर हूँ, लेकिन मैं कैसे रहता हूँ? विभीषण जी ने कहा, क्या क्या बोले, क्या के रामदास बन हम लंका में ऐसे करें निवास। बोले, हम लंका में ऐसे रहते हैं जैसे, जैसे विभीषण जी ने कहा, क्या कि रामदास हम, मैं राम का दास हूँ, तो रामदास बन हम लंका में ऐसे करें निवास। कैसे? कैसे? बत्तीस दांतों मध्य जो रसना मुख में करती वास। बात। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव निवास करती है, उसी प्रकार मैं भी इसी स्थिति में रहता हूँ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो राम नाम के रक्षा कवच में है दृढ़ विश्वास। तो हनुमान जी फिर बोल पड़े, क्या बोले, संत महाराज आपको देखकर ऐसा लग रहा है, पाप के दलदल में ये पुण्य का, पाप के दलदल में ये पुण्य का, अरे पुष्प खिला श्रीमान। पाप के दलदल में ये पुण्य का, पुष्प खिला श्रीमान। एक यही साधु है सच्चा, बाकी सब विभीषण जी आमने सामने खड़े हैं। तो विभीषण जी ने एक बात कही, बोले, महाराज क्या आज आपके मुझे दर्शन हुए हैं, इसमें भी परमात्मा की कोई विशेष रजा रही होगी। बिल्कुल। इसमें भी भगवान की जरूर कोई ना कोई मंशा रही होगी, क्योंकि चौपाई कह रही है, क्या उन्होंने कह दिया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या बात, बिना भगवान की कृपा के आपके दर्शन होना असंभव था। जरूर भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है,
तभी तो आज आपके मैंने दर्शन पाए हैं। विभीषण जी कह रहे हैं क्या तो दीन बंधु वो दीना नाथ कुछ दीन की सुने पुकार और बोले हनुमान जी हुआ भरोसा है बजरंगी दर्शन मिला तुम्हार अब मोही भा भरोसा हनुमंता आपका दर्शन मिला है तो जरूर भगवान की कृपा हुई है आज ब्रह्म बेला के शुभ पल स्वप्न करें साकार मैंने भी आज ब्रह्म बेला में प्रातः काल की बेला में ये सपना देखा था क्या कि आज कोई ना कोई अच्छी बात होने वाली है और आपके दर्शन हो गए तो आज मेरा वो सपना सच्चा हो गया इसीलिए माना जाता है क्या कि आज भी प्रातः काल की बेला में जो व्यक्ति सपना देखता वो सच्चा जरूर होता है वो साकार हो जाता है पता पूछने लगे आखिर माता कहाँ है मैंने पूरी लंका नगरी में ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिली बिल्कुल कहने लगे हनुमान जी क्या तो माँ के दर्शन की है लालसा विभीषण जी ने कहा वो लंका में नहीं है वो तो अशोक वाटिका में है अरे माँ के दर्शन की है लालसा तो राह हुई आसान अंतिम बात सुनिए भाई साहब सुनिए दो संतों का मधुर मिलन ये दोनों मन हर्षाए दो संतों का मिलन हो रहा है कैसे दो संतों का मधुर मिलन ये दोनों मन हर्षाए तो बगिया में बजरंग बली ने माँ के दर्शन पाए माँ के दर्शन मिल गए और जब विभीषण जी भी भगवान राम की शरण में पहुंच गए तो के रामदास कर विभीषण जी रामदास जो विभीषण जी भगवान की शरण में पहुंचे तो हुआ क्या कहना पड़ा बगिया में बजरंग बली ने माँ के दर्शन पाए और दास विभीषण राम दर्श कर गए लंकेश बनाए क्या बात उनको लंका का राजा घोषित कर दिया गया तो कहना क्या दास विभीषण राम दर्श कर गए लंकेश बनाए तो कहना क्या कि बसा द्विवेदी ही मैं राम को बसा द्विवेदी ही मैं राम को और राखी करे गुणगान क्या बात बसा द्विवेदी ही मैं राम को राखी करे गुणगान एक यही साधु है सच्चा महाराज की बोले फूलमती मैया की धन्यवाद है सुना बेटे सुना ठीक है जवाब ठीक है महाराज चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो आता ही है बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी आज बची गई शुक्ला जी आज कानपुर में बढ़िया जवाब दिया है बढ़िया बहुत बढ़िया गीत भी बढ़िया गाया है
और उमेश भैया को हमारे इनाम भी मिल ही गया है। वाह, मिलना भी चाहिए, तो उसमें कुछ कहना भी नहीं है। ना ना, बिल्कुल नहीं। के अरुण मासी है, अरुण मासी है जिसकी आभा, अरुण मासी की सिंह पर प्रकृति माता, अरे सिंह पर प्रकृति महिष मर्दनी सिंह राशि की। फिर कुंभ से प्रकृति सुगर सीता कुंभ राशि की। फिर मकर पे प्रकृति, मकर पे प्रकृति माता गंगा मकर राशि की। फर्री लगाते हो छोटे, जब कलाकार से जवाब नहीं आता है मजबूरी है, क्योंकि अब हमारे उमेश भैया आए हैं। भाई साहब आप थोड़ा शांत रहो, बड़ी आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। अब उमेश भैया आए हैं, मंडल ठीक हो जाए, मंडल की जान तो वही है। आप टोका, जब कलाकार के पास जवाब नहीं होता है तो किसी के गीत को खराब करता है। माता जन्म लेना अलग है, प्रकट होना अलग है। हिमांचल जी ने शेर खुद उनको दिया था। अच्छा, किनको दिया था? माता पार्वती को। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, देवी तो एक ही है लेकिन वो किसी ना किसी अंश से प्रकट जरूर होती है। इधर इधर घूमो, व्हाट्सएप छोड़ो, लिखो थोड़ा। देवी एक ही है, वो किसी ना किसी अंश से प्रकट जरूर होती है। तो वो देवी प्रकट हुई, और देखो प्रकट किस पे हुई। अरे अरुण मासी है जिसकी आभा, अरुण मासी की। सिंह पर प्रकृति महिष मर्दनी सिंह राशि की। और सुनो, सीता का जन्म तो भूमि से हुआ है, हल के फल से हुआ है, लेकिन सीता प्रकृति घड़े से है। अरे कुंभ से प्रकृति सुगर सीता कुंभ राशि की। आपने कहा गंगा प्रकट नहीं हुई, गंगा की सवारी है। प्रसंगों पर थोड़ा ध्यान दीजिए बुआ जी, ज्ञान है थोड़ा कम है। गंगा की सवारी, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम्हारा एक जन्म और होगा, द्वापर में आप नदी के रूप में बहोगी। नदी के रूप में बहती रही, लेकिन जब राजा शांतनु को देखा तो मकर पे प्रकृति माता गंगा मकर राशि की। इतनी बात है, जवाब आया है, जवाब आया है। प्रश पर जल में, अरे प्रश पे शोभित, हा प्रश पे शोभित उमा देव प्रश राशि के। माना माना, इधर घूम। माना मैंने कि भगवान भोलेनाथ प्रश राशि के हैं, लेकिन आपने कहा भगवान राम जो विष्णु अवतारी प्रभु राम जब धनु लेकर खड़े हुए तो धनु से शोभित धर्मधारी धनु राशि के। आपकी बात तो गलत कर रहा हूं, आपकी बात तो गलत कर रहा हूं, और हिम्मत हो तो साबित कर दीजिए। प्रभु राम धनु राशि नहीं, तुला राशि है।
हिम्मत हो तो, हिम्मत हो तो हाथे बांधो, नहीं तो बकरी बांधो। प्रभु राम धनु राशि नहीं तुला राशि है, ये बात अलकेम लिए होगा। अब तो लड़का जिम भी जाने लगा। अब हम नहीं जा रहे, ये जाता है। हमारे एक बहुत अच्छे आयोजक परम सद्य हमारे धुन्नी भैया मनोहर खेड़ा, मैं आपका मंच के माध्यम से स्वागत कर रहा हूँ। आए आपका स्वागत है भैया। जब आप तो इंसान कहीं ना कहीं से लाता है, और मैं तारीफ कर रहा हूँ उमेश भैया की कि वो आज लिख रहे हैं तो इतना भी आ गया। ठीक है, पहले कहा रुक्मणी ने श्री कृष्ण को तुला पे तौला, लेकिन हमारे उमेश भैया का कान हमारे मंच की तरफ था। कमेटी से निवेदन है जब कभी जवाबी करावे तो एक मंच 2 किलोमीटर दूर लगावे, एक मंच 3 किलोमीटर दूर लगावे। पहले लाइन आ रही थी कि रुक्मणी ने तौला, इधर जैसे हमने सवरिया जी से कहा ये प्रसंग तो गलत है, रुक्मणी ने नहीं सत्यभामा जी ने तौला, तो इधर उमेश भैया ने तुरंत बता दिया राखी जी गलत है। ये उनकी गलती नहीं है। सबसे भाई साहब, भाई साहब बताओ, ये भी बैठे तब भी आप बोल रहे हो, काहे परेशान किए महाराज इतनी। आप लोगों को डर नहीं लगा, हमको डर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दादा की तरफ से 51 रुपए हमारे दरोगा जी का सम्मान हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली हमारे साहब के लिए बजा दे। हाँ तिवारी जी, तिवारी, अरे वाह तिवारी जी वाह। अरे आपसे आपसे कई लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। चलिए मैं यहीं पर आपकी बात को छोड़ रहा हूँ। इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अब उमेश भैया हमारे बड़े भाई थोड़ा परेशान रहते हैं, अब अगर उनसे सत्यभामा की जगह रुक्मणी लिख भी गया तो कलाकार को ये पता होना चाहिए कि नहीं ये रुक्मणी नहीं, ये तो प्रसंग सत्यभामा का है। लेकिन ठीक है, बढ़िया। अरे कुंभ से प्रकटि सुगर सीता कुंभ राशि की। चलिए पहली बार गाना आपके सामने आया था, अब इसको दूसरी बार प्रयास करना। और एक गाना आपकी तरफ से आया है, गाना कह रहा है क्या, क्या कह रहा है गाना, कि जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। नजर ना लगे किसी की तू जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब बेहाल। हाँ एक तू ही
भैया बक्सर राम आप दो से एक पुष्पमाल और 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ज्यादा समय न लेते हुए आपने गाना दिया है। हाँ एक यही साधु है सच्चा, बाकी सब शैतान। आपने अपने गीत में दो संतों को लिया है, परम सत्य माने सुहान दादा, दो संतों को लिया है, इसके बाद एक विलोम शब्द लिया है, साधु शैतान। देखिए सचदेवा साथी जवाब दे रहा है, मैं आपके गीत को गलत नहीं कह रहा और ना कहूंगा, मैं सिर्फ जवाब दूंगा। बिल्कुल, आखिर जवाब होता क्या है? अंगद जैसे राज्यसभा में आए, रावण से कहने के रावण प्रभु राम के चरणों में चले जाओ, आपको वो क्षमा दान दे देंगे। रावण ने कहा कि शिल्प कर्म जाने नल नीला। चौपाई भी सुनते रहे। आपने दो संतों को लिया है, सचदेवा साथी दो बलवानों को ले रहा है, दो योद्धाओं को ले रहा है, दो बलि को ले रहा है, एक चौपाई भी आपको दे रहा है, एक नहीं हजारों चौपाई दे रहा है, इसके बाद विलोम शब्द भी दे रहा है। शिल्प कर्म जाने नल नीला है कपि एक महाबलशीला। अब जवाब सुनिए, सुने समझे। अरे सुन ले ऐ बाली सुन ले अंगद तुझको मैं बतलाऊं। नोट हमको ओकेजन दे दे लेकिन ना करता मजाक सुनना। तुम हमें नोट ना तो उसमें चांदी वाला तार हमको दे दे। अरे सुन ले ऐ पाली सुन ले अंगद तुझको मैं बतलाऊं। तुझसे पहले एक कवि आया, तुझसे पहले एक कवि आया, लीला मैं तरसाऊं। और सुन ले अंगद, अरे उसके आगे कुछ भी नहीं तू, उसके आगे कुछ भी नहीं तू, अरे मैं तुझको समझाऊं। बिनु दादा का लाइन अच्छी लग जाए तो हमारे सावरिया जी ने लाइन लिखी क्या, अरे सीधा सादा नाम था उसका। उमेश भैया, अरे सीधा सादा नाम था उसका, अरे पीर बलि हनुमान। अरे सीधा सादा नाम है उसका, अरे पीर बलि हनुमान। और सुन ले अंगद, बाकी सब निर्बल हैं योद्धा, एक वही बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बस एक ही बलवान है, बाकी हनुमान के अलावा तुम्हारे तुम्हारे राम की सेना में कोई है नहीं। कहे लगा क्या रावण, अरे सीधा सादा नाम है उसका, पीर बलि हनुमान, अरे बाकी सब निर्बल है योद्धा, एक वही बलवान। अशोक सिंह जी ड्राइवर साहब हमारे, आप तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इधर इधर रावण कहने लगा क्या, भाई मेरा डरपोक भगोड़ा।
जिसको पीर तू जाने। अरे वाह, क्या बात है जबान, बड़ा मीठा मीठा बजाते हो बेटे, एक एक बोल समझ में आती है। अरे नलवा नील सुग्रीव में पल, नलवा नील सुग्रीव में पल, कितना है हम ये जाने। मुझे पता है, मुझे पता है नल नील और बाली में, मुझे पता है नल नील और सुग्रीव में कितना बल है। कहे लगा रावण, क्या अरे मुझसे लड़ेगा क्या वो आकर, उमेश भैया अरे मुझसे लड़ेगा क्या वो आकर, वो बूढ़ा जामवान बुढ़ा हो गया। अरे मुझसे लड़ेगा क्या वो आकर, वो बूढ़ा जामवान। मैं बस यही कह रहा हूं कि राम की सेना में अरे बाकी सब निर्बल है योद्धा, एक वही बलवान। जब इतनी बात रावण की अंगद महाराज ने सुनी तो अंगद महाराज कहने लगे के समझ राम प्रताप कर कोपा, सभा माज पन कर पद रोपा, जो मम चरण सकज सठ तारी, तो फिर राम सीता मैं हारी। कहे लगे क्या, अब आपने जब दो संतों की बात की तो सचदेवा श्राद्धी कह रहा है क्या, अरे दो योद्धाओं का बल आओ तुमको सुनो सुनाऊं। सचेवा साथी कह रहा है क्या, अरे जिसकी रक्षा में आ जाए, अरे जिसकी रक्षा में आ जाए, अरे प्रभु राम भगवान, जिसकी रक्षा में आ जाए, अरे प्रभु राम भगवान, सबई नचावत राम गोसाई। अरे बाकी सब इस लंका में, अरे बाकी सब निर्बल हैं योद्धा, एक वही बलवान। बाकी सब निर्बल हैं योद्धा, एक वही
बाकी सब हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके।